नमस्ते, मेरा नाम है गिरीश इंद्राम शिंदे और आज के इस हीट पंप वीआरएफ पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीआरएफ सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप जरूर देखें, जिससे कि इस टॉपिक को समझने में आपको काफी आसानी होगी। आज के इस टॉपिक में हम हीट पंप वीआरएफ का कूलिंग साइकिल और हीटिंग साइकिल को स्टडी करने जा रहे हैं। हीट पंप वीआरएफ जो होता है वो कूलिंग ओनली वीआरएफ का एडवांस वर्जन होता है। कूलिंग ओनली वीआरएफ जो है उसमें सिर्फ कूलिंग की जा सकती है, तो हीट पंप वीआरएफ में कूलिंग और हीटिंग दोनों भी काम किए जा सकते हैं। सिर्फ एक चीज को आपको याद रखना है, हीट पंप वीआरएफ को यूज करके हम एक ही वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। मतलब एक समय में सिर्फ कूलिंग का काम होगा या एक समय में सिर्फ हीटिंग का काम होगा, लेकिन एक साथ में हीटिंग और कूलिंग दोनों भी काम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में 10 कमरे हैं जहां पे हीट पंप वीआरएफ लगवाया है, तो एक ही समय में 5 कमरों में कूलिंग और 5 कमरों में हीटिंग का काम नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 10 के 10 कमरों में हीटिंग होगा या 10 के 10 कमरों में कूलिंग का काम होगा। तो इस तरीके से हीट पंप वीआरएफ को यूज करके हम हीटिंग और कूलिंग दोनों भी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम हीट पंप वीआरएफ के अलग अलग पार्ट का नाम देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये होता है, इसको हम इन्वर्टर कंप्रेसर बोलते हैं। जो हीट पंप वीआरएफ होता है, जो या वीआरएफ मशीन होती है, इसमें इन्वर्टर स्क्रोल कंप्रेसर यूज करते हैं। आगे ये जो वॉल है, इसको हम कहते हैं फोर वे रिवर्सिंग वॉल। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल को रिवर्स करने का काम करता है। ये जो कॉइल है, इस कॉइल को हम आउटडोर कॉइल कहेंगे और इस पूरे यूनिट को हम आउटडोर यूनिट कहेंगे, क्योंकि ये रूम के बाहर होता है। फिर आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल लगा होता है। यहाँ पे NRB मतलब एक नॉन रिटर्न वॉल होता है, जिसमें से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेफ्रिजरेंट का फ्लो जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वॉल है, इस वॉल में सिर्फ ऐसे रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ सकता है। अगर रेफ्रिजरेंट इस डायरेक्शन से आता है, तो यहाँ से वो वॉल उसको जाने से रोकने का काम करता है। तो NRB वन वे ट्रैफिक, मतलब एक ही जगह से रेफ्रिजरेंट को जाने को देता है। अगर दूसरे डायरेक्शन से रेफ्रिजरेंट आता है, तो वहां पे उस फ्लो को रोकने का काम करता है। इसे हम NRB कहते हैं। फिर आगे जाके रेगुलर जैसे यूनिट होते हैं, ये सारे क्या है, इंडोर यूनिट्स है या इंडोर कॉइल है। इसको हम इवेपोरेटर स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, क्योंकि कूलिंग के वक्त में इवेपोरेटर होता है, लेकिन हीटिंग के वक्त में ये हीट देने का काम करता है, मतलब ये कंडेंसर बन जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम इवेपोरेटर या कंडेंसर इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे। तो ये जो कॉइल रूम के अंदर होती है, इसे हम इंडोर यूनिट या इंडोर कॉइल्स कहेंगे, और जो कमरे के बाहर होते हैं, इसको हम आउटडोर यूनिट कहेंगे या आउटडोर कॉइल्स कहेंगे। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल हो गया हर एक यूनिट का, और यहाँ पे NRV दिया हुआ है हर एक एक्सपेंशन वॉल के नीचे। ये जो कॉइल्स है इंडोर कॉइल्स है, और फिर यहाँ पे आप रिटर्न आओगे तो फिर यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर है। तो इस तरीके से ये जो हीट पंप वीआरएफ है, इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हीट पंप वीआरएफ में दो साइकिल्स होती है, एक कूलिंग साइकिल और एक हीटिंग साइकिल। अब ये जो साइकिल्स होती है, ये साइकिल्स जो है हम अपने हिसाब से कम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो गर्मी का मौसम है, तो यहाँ पे हम कूलिंग साइकिल को ऑन कर सकते हैं मैन्युअली, या फिर इसमें ऑटो सिस्टम भी होती है जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं। एक सेट टेम्परेचर होता है, जब रूम का टेम्परेचर सेट टेम्परेचर से बढ़ता है या एम्बिएंट टेम्परेचर जब सेट टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि गर्मी के मौसम में नॉर्मली जो मुंबई की बात करें, तो एम्बिएंट टेम्परेचर 35-36 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ऐसे वक्त में ये सेंसर जो है अपने आप कूलिंग साइकिल को एक्टिवेट करेंगे। या फिर विंटर सीजन है और टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल समझो टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, एम्बिएंट टेम्परेचर कम होने के बाद में सेंसर सेंस करते हैं और अपने आप ही हीटिंग साइकिल को एक्टिवेट करते हैं। अभी जो साइकिल्स होते हैं, इसको हम मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं, मैन्युअली भी हीटिंग साइकिल डाल सकते हैं या कूलिंग साइकिल पे इसको मशीन को डाल सकते हैं, या फिर ऑटो सिस्टम भी होती है जिसमें सेंसर्स होते हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर को सेंस करते हैं, और अकॉर्डिंगली एम्बिएंट टेम्परेचर अगर कम होगा, विंटर सीजन होगा तो हीटिंग साइकिल चालू होगी, या फिर समर सीजन है एम्बिएंट टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो क्या होगा, कूलिंग साइकिल चालू होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कूलिंग साइकिल की, कि हीट पंप में कूलिंग साइकिल काम कैसे करती है। तो हम शुरुआत करेंगे कंप्रेसर से। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो कंप्रेसर होता है, इन्वर्टर कंप्रेसर होता है और स्क्रोल कंप्रेसर यहाँ पे यूज करते हैं, और कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट है, वो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कंप्रेस होके इस लाइन से आगे बढ़ता है। इस लाइन को हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। ओके, डिस्चार्ज लाइन के बाद में ये जो रेफ्रिजरेंट है, ये रेफ्रिजरेंट चला जाता है फोर वे रिवर्सिंग वॉल में। अब फोर वे रिवर्सिंग वॉल में आप अगर देखोगे, तो चार यहाँ पे वॉल्स लगे हैं। यहाँ पे दो वॉल्स की यहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है, सी कूलिंग, ये जो वॉल है कूलिंग के वक्त में चालू रखेंगे हम, और जो एच लिखा हुआ है वो हीटिंग के वक्त चालू रखेंगे। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अ कूलिंग साइकिल, तो इस वक्त में ये जो रेड वाला वॉल है, यहाँ पे मैंने एच लिखा हुआ है, ये वॉल
क्लोज रहेगा, बंद कंडीशन में रहेगा। मतलब यहाँ से जो कंप्रेसर से डिस्चार्ज होकर जो रेफरेंट निकला हुआ है वो ऐसे इस ब्लू लाइन से आगे निकल जाएगा। अब इस साइकिल ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो इसके लिए मैं इस रेड वाले वॉल को या लाइन को यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो कूलिंग साइकिल है तो कूलिंग साइकिल में से ब्लू वाले वॉल जो है वो ऑन रहेंगे और रेड वाले ऑफ रहेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ जिससे कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हट गया हीटिंग वाला वॉल। ओके, अब हम देखेंगे साइकिल आगे चलती कैसे। अब फोर वे रिवर्सिंग वॉल में से जो ऑफ है वो वॉल को मैंने हटा दिया, जो हीटिंग वाला वॉल है इसको हटा दिया क्योंकि हम लोग कूलिंग साइकिल को स्टडी कर रहे हैं। तो कंप्रेसर ने रेफरेंट को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद रेफरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी बढ़ गया। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है इस फोर वे रिवर्सिंग वॉल से इस वॉल से आगे निकल के गया आउटर यूनिट में। आउटर यूनिट में जो अभी आया हुआ है रेफ्रिजरेंट ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है जो क्या कर रहा है इस कॉइल में से आगे बढ़ रहा है। ओके, आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे जो भी रेफ्रिजरेंट है इसका जो टेम्परेचर होता है ये एम्बियंट टेम्परेचर से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्बियंट टेम्परेचर समझो 36 डिग्री सेल्सियस है तो कॉइल में जो रेफरेंट आ रहा है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 45 टू 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। ऑब्वियसली कॉइल का टेम्परेचर या आउटर नेट में रेफरेंट का टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर के से ज्यादा होने के कारण ये जो कॉइल है अपनी हीट को बाहर निकलेगी और हीट बाहर निकलने के बाद जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है आगे जाके धीरे धीरे कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में जैसे ही कंडेंसर कॉइल के एंड में आएगा तो वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा। ओके, तो यहाँ पे आके क्या हुआ, रेफरेंट आया यहाँ पे और आउटर यूनिट ने हीट को बाहर निकाला। ये कहाँ पे होता है, कूलिंग साइकिल में। हीट को बाहर निकालने के बाद रेफरेंट कंडेंस हो गया। कंडेंस होने के बाद में जो रेफ्रिजरेंट है ये रेफ्रिजरेंट देखो यहाँ से एनआरवी में जाएगा। अब एनआरवी जो है इसकी डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ दी है, मतलब जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बताई है ब्लू कलर की उसी डायरेक्शन में एनआरवी भी है। तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे एक्सपांशन वॉल से पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ से एनआरवी से रेफरेंट को जाने के लिए रास्ता है और एनआरवी से ये रेफरेंट आगे जाके पास होगा और नॉन रिटर्न वॉल से पास होने के बाद में ये बाईपास करेगा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल को। कौन से केस में, कूलिंग साइकिल में। तो एनआरवी से निकलने के बाद में ये रेफरेंट चला गया यहाँ पे इस लाइन से आगे और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो तीन यूनिट मैंने बनाए हैं इंडोर यूनिट 1, इंडोर यूनिट 2, इंडोर यूनिट 3, तो हर एक यूनिट को यहाँ से देखो रेफरेंट पास हो रहा है। एक फर्स्ट यूनिट हो गया जिसको रेफरेंट पास हो रहा है, फिर ये सेकेंड यूनिट हो गया जिसको यहाँ से रेफरेंट पास हो रहा है, फिर ये थर्ड यूनिट हो गया उसको यहाँ से रेफरेंट पास हो रहा है। ईच एंड एवरी यूनिट का जो रेफ्रिजरेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल से पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल क्या करेगा, रेफरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर डाउन करेगा, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल सेंस करता है इवेपोरेटर की रिक्वायरमेंट। इसको मैंने पहले वाले सेशन में भी आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल में कुछ सेंसर्स होते हैं जो सेंसर्स इवेपोरेटर की लोड को सेंस करते हैं और जितनी जरूरत है उतना ही रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर को पास कराते हैं जिससे कि करेक्ट अमाउंट में करेक्ट क्वांटिटी में लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर को मिलता है। तो करेक्ट क्वांटिटी में लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आएगा, जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा इंडोर यूनिट में वो अंदर की लोड की वजह से इवेपोरेट हो जाएगा और इवेपोरेट होके वेपराइज होके फिर से चला जाएगा इस लाइन में। ये बात हुई फर्स्ट यूनिट की। सेकंड यूनिट में भी सेम थिंग होगी, रेफरेंट आया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल ने प्रेशर और टेम्परेचर कम कर दिया, जितनी क्वांटिटी जरूरी है उतनी करेक्ट क्वांटिटी में वो लिक्विड रेफरेंट को फीड करेगा इंडोर यूनिट को और यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट है वो रूम की गर्मी को एब्सॉर्ब करके वेपराइज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो कूलिंग साइकिल में जो भी रेफरेंट आ रहा है वो रूम की गर्मी को एब्सॉर्ब करके रूम में या इंडोर यूनिट में कूलिंग का काम कर रहा है और वेपराइज रेफरेंट फिर से यहाँ से चला जाएगा इस लाइन में। सिमिलर थर्ड यूनिट में लिक्विड रेफरेंट यहाँ से आ रहा है, मैंने ब्लू एरोज बताया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल इसका प्रेशर कम करेगा, करेक्ट क्वांटिटी में लिक्विड रेफरेंट को सेंड करेगा इंडोर यूनिट में। इंडोर यूनिट में आने के बाद में रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से काफी कम होता है, अप्रॉक्सिमेटली 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का। जो रूम टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सिमेटली 24-25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस का रेफ्रिजरेंट है वो रूम की गर्मी को एब्सॉर्ब करेगा और लिक्विड रेफरेंट वेपराइज होके यहाँ से इस लाइन से वापस चला जाएगा सक्शन लाइन में। तो अब देखो लिक्विड रेफरेंट ने एंट्री की यहाँ से एक्सपेंशन वॉल से और यहाँ से वेपराइज होके आ गया इस लाइन में। यहाँ पे भी लिक्विड रेफरेंट आया, यहाँ से वेपराइज होके आ गया मेन लाइन में, यहाँ पे भी लिक्विड रेफरेंट आया, फिर उसका प्रेशर टेम्परेचर कम हुआ और वेपराइज होके ये रेफरेंट चला जाएगा मेन लाइन में। ओके, मेन लाइन में जाने के बाद में अगर आप देखते हो तो यहाँ से लिक्विड रेफरेंट आके इस लाइन से होते हुए
यहाँ से फोर वे रिवर्सिंग वॉल में आ रहा है और फोर वे रिवर्सिंग वॉल से अगेन ए रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर के सक्शन में जा रहा है। तो इस तरीके से कूलिंग साइकिल में रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होती है और ये जो हीट पंप वीआरएफ है ये क्या करता है, कूलिंग करने का काम करता है। अभी हमने हीट पंप वीआरएफ के कूलिंग साइकिल को स्टडी किया, अब हम हीटिंग साइकिल को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करने के बाद में रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी बढ़ेगा। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो आ जाएगा फोर वे रिवर्सिंग वॉल्व में। अब फोर वे रिवर्सिंग वॉल्व में क्या होता है, ऑटो में या मैनुअल में हम क्या कर देंगे, हीटिंग साइकिल चालू है ना, तो ये जो वॉल्व है सी लिख में जो वॉल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब रेफ्रिजरेंट को यहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। कूलिंग साइकिल में अगर आपने देखा होगा तो रेफ्रिजरेंट ऐसे यहाँ से आउटडोर रेट में जाता था, लेकिन अब क्या होगा, ये वॉल्व बंद है यहाँ पे, तो रेफ्रिजरेंट को यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये जो डिस्चार्ज हुआ रेफ्रिजरेंट है ये ऐसे घूम के, देखो यहाँ से फोर वे रिवर्सिंग वॉल्व से घूम के कहाँ पे जाएगा, इंडोर यूनिट में, इस रास्ते से। तो अब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ पे न जाते हुए, आउटडोर यूनिट में न जाते हुए इस रास्ते से, क्योंकि यहाँ पे वॉल बंद है, तो घूम के देखो इस फोर वे रिवर्सिंग वॉल से घूम के कहाँ पे जा रहा है, इंडोर यूनिट में, जिसके वजह से इंडोर यूनिट में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जाता है। इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये रेफ्रिजरेंट इस रूम में गर्मी पैदा करता है या हीटिंग इफेक्ट देता है। तो साइकिल को समझने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये जो वॉल अभी बंद किया ना इसको मिटा ही देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये बंद हो गया, ये भी यहाँ पे बंद हो गया, ओके। अब देखो रेफ्रिजरेंट का पाथ कैसे रहेगा, कैसे रेफ्रिजरेंट जाएगा और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कंप्रेसर ने रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी ज्यादा है टेम्परेचर भी ज्यादा है। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट फोर वे रिवर्सिंग वॉल में आएगा, यहाँ पे वॉल बंद है तो आगे ये रेफ्रिजरेंट जा नहीं सकता, तो ऐसे घूम के इस एच वाले वॉल से, खुला हुआ वॉल है, यहाँ से ये जाएगा इंडोर यूनिट में। यहाँ पे ये क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 45 टू 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। ये जो रेफ्रिजरेंट है ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे अपना हीटिंग इफेक्ट गर्मी देगा और जिससे कि कमरा गर्म हो जाएगा। फिर ये जो रेफ्रिजरेंट है ये कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होके लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि इसने अपनी गर्मी को बाहर निकाल दिया। अब ये जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ से आएगा एनआरवी में, क्योंकि एनआरवी जो है वन वे वॉल है, तो यहाँ से इसको एक्सपांशन वॉल में न जाते हुए वो इस नॉन रिटर्न वॉल से, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में खुलने वाला है, तो यहाँ से होते हुए ये रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ेगा ऐसे यहाँ पे आउटर यूनिट में। ये हो गया फर्स्ट यूनिट का। सेकेंड यूनिट पे भी जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से आ रहा है वो रेफ्रिजरेंट कहाँ पे जा रहा है, देखो यहाँ से सेकेंड इंडोर यूनिट में जा रहा है। यहाँ पे भी ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है ये अपनी गर्मी को रूम में देगा और रूम में देने के बाद में रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो जाएगा। और यहाँ पे भी रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन वॉल में न जाते हुए ये जो एक्सपांशन वॉल को बाईपास करेगा और इसके नीचे जो नॉन रिटर्न वॉल है इस नॉन रिटर्न वॉल से आगे बढ़ेगा आउटडोर यूनिट में। थर्ड यूनिट में भी सेम केस, यहाँ से आया हुआ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आ गया इंडोर यूनिट में, तीन नंबर के यूनिट में, वो गर्मी को फेंकेगा यूनिट में, रूम को गर्म करेगा और रेफ्रिजरेंट कंडेंस होने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल को बाईपास करके नॉन रिटर्न वॉल से रेफ्रिजरेंट पड़ेगा आगे जाके यहाँ पे आउटडोर यूनिट में। अगर आप आउटडोर यूनिट में देखते हो तो आउटडोर यूनिट में यहाँ पे देखो, अगर आप इस जगह पे देखते हो तो यहाँ पे एनआरवी का डायरेक्शन अगर आप देखते हो तो एनआरवी जो है ये उल्टा है, तो रेफ्रिजरेंट को यहाँ से जाने से एनआरवी रोकेगा। अब जो है रेफ्रिजरेंट इस एनआरवी में नहीं जाएगा क्योंकि ये उल्टा एनआरवी लगा हुआ है, तो रेफ्रिजरेंट को कहां से पास होना होगा, इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल से जो आउटडोर यूनिट में लगा हुआ है। फिर यहां पे आने के बाद में रेफ्रिजरेंट जो है एक्सपांड होगा, मतलब यहां पे रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो गया इंडोर यूनिट में और फिर कंडेंस होने के बाद में यहां पे रेफ्रिजरेंट एक्सपांड होगा और एक्सपांड होने के बाद में रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी घट जाएगा और ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है वो एंटर करेगा आउटडोर यूनिट में और आउटडोर यूनिट में जाके ये रेफ्रिजरेंट जो है बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। ये जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद में इस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी कम है। अप्रॉक्सिमेटली एज्यूम करो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर जो है वो समझो अप्रॉक्सिमेटली कुछ है 20-25 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सिमेटली टेम्परेचर है। तो ये जो है रेफ्रिजरेंट वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ से गर्मी को एब्जॉर्ब करके जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ से होते हुए वेपराइज होके ये फिर से चला जाएगा सक्शन लाइन से कंप्रेसर में और अगेन ये जो रेफ्रिजरेंट है कंप्रेस होके आगे बढ़ेगा।
तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने हीटिंग मोड में डाला मशीन को, तो जो इवेपरेटर था वो कंडेंसर का काम करने लगा, और जो कंडेंसर था या आउटडोर यूनिट है वो एज ए इवेपरेटर काम करने लगा। इवन यहाँ का टेम्परेचर मैंने बताया कि 20-25, अगर टेम्परेचर कम भी होगा, अगर यहाँ का टेम्परेचर अगर 5 या 10-15 डिग्री सेल्सियस भी होगा, तब भी ये जो रेफ्रिजरेंट है, ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा और वेपराइज होके यहाँ से होके वापस से सक्शन लाइन से कंप्रेसर में चला जाएगा, और इस टाइप से साइकिल चलती रहेगी। तो इस तरीके से हीट पंप वीआरएफ जो है वो कूलिंग और हीटिंग दोनों भी काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।